नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है। शॉर्ट स्टोरीज़ और विजडम में आपका स्वागत है। ये मेरी पहली वीडियो है इस सीरीज़ के लिए। इसमें मैं कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करूँगा जो आमतौर पे मैं अपने पेशेंट्स के साथ शेयर करता हूँ, और ताकि उनका भी मन लगा रहे जब मैं उनको एक्सरसाइजेस करा रहा हूँ, और मुझे भी जो चीज़ें अच्छी लगी हैं उसको शेयर करने का मौका मिले। तो पहली स्टोरी मेरी है वाई वी शुड नो एवरीथिंग। ये भी मेरे रिसेंट एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई स्टोरी है। मैं अभी एक वर्कशॉप में गया था जिसमें एक मेरे मेडिटेशन टीचर आए थे और उन्होंने ये स्टोरी वहाँ पे शेयर करी, तो यही स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार एक 12 साल के लड़के को एक स्ट्रिप क्लब में जाने का मौका मिलता है, और मौका मिलता है तो एक 12 साल का लड़का जिस तरीके से क्यूरियस होता है वो जाता है। लेकिन वहाँ से जब वो वापस लौटता है तो पता नहीं कैसे उसकी मम्मी को पता लग जाता है कि ये स्ट्रिप क्लब होके आया है। स्ट्रिप क्लब से जब वो वापस आता है और तो उसकी मम्मी उससे पूछती हैं कि बेटा तुमने वहाँ कोई ऐसी चीज़ देखी जो तुम्हें नहीं देखनी चाहिए थी, तो वो सवाल को इग्नोर करता है और कहता है मम्मी मेरे से कोई सवाल मत पूछो आप। मम्मी दोबारा पूछती हैं कि बेटा तुमने क्या सच में वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ देखी जो तुम्हें नहीं देखनी चाहिए थी, तो बेटा बोलता है हाँ मम्मी मैंने वहाँ पापा को देखा। तो ये स्टोरी जो है बहुत ही फनी स्टोरी है, बट इसका अपना ही एक लॉजिक है। सारी इन्फॉर्मेशन लेके कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी चीज़ है, नॉलेज विजडम सबको बढ़ाने के लिए, बट कभी कभी कुछ चीज़ आपको नहीं पता चल रही है, ठीक है, इट्स ओके, हैव अ गुड डे।